उसको डैम्स और टैंक्स में सेव करके पाकिस्तान के उन एरियाज़ में भी सप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर पानी की कमी रहती है। तो ये सब था रेनफॉल में। लेट मूव टू नेक्स्ट, दैट इज़ वेल्स। तो वेल्स बेटा कुएँ को कहते हैं। ये ज़मीन के अंदर इतने डीप होल्स होते हैं कि जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वहाँ से हम लोग पानी गेन करते हैं। पुराने ज़मानों में हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे कुएँ थे, अब तो चंद एक हैं, लेकिन वो जो चंद एक कुएँ रह गए हैं वो अभी भी बहुत यूज़फुल हैं उन एरियाज़ के लिए जहाँ पर अभी तक पानी की सप्लाई नहीं है, जहाँ पर पाइप के रास्ते पानी नहीं जाता, वहाँ पर ये जो वेल्स हैं ये बहुत ही हेल्पफुल हैं। इसके अलावा ये जो कुएँ हैं ये हमें हेल्प आउट करते हैं पानी को स्टोर करने में। सो स्टूडेंट्स, ये तो जो दो पॉइंट्स हैं बेटा, यहाँ पर आपने इन दोनों की रीडिंग करनी है और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करना है। दिस इज़ योर होमवर्क टास्क, यू हैव टू कम्प्लीट। अल्लाह हाफिज़।